हेलो गाइस, वेलकम टू एलिश कम्युनिकेशन। जो पार्ट वन में हमने बॉक्स तैयार किया था, आज उसकी एसेसरीज देख लेते हैं, उसमें हम क्या क्या लगाने वाले हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने 2 12 इंची के सबवूफर लिए हैं, आप देख सकते हैं। दो सबवूफर 12 इंची है, एक 8 इंची स्पीकर लिया है, और लगभग 4 हमने लिए हैं 6 इंची के स्पीकर। 2 हमने ट्विटर लिए हैं, एक 4 चैनल एम्प लिया है, और एक लिया है स्टीरियो जो इन्फिनिटी का है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। ये 4 चैनल एम्प लिया है हमने। तो अब मैं आपको इसकी फिटिंग करना सिखाता हूँ कि अब हमने बॉक्स में कैसे फिट करना है। टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने पहले ही वायर जोड़ ली है स्पीकरों में। स्पीकर में देख सकते हैं आप, ट्विटर में, सब में मैंने वायर जोड़ ली है, जिससे कि बाद में समय ना लगे। तो चलो करते हैं फिट। तो हेलो गाइस, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, 2 6 इंची इधर लगे थे, उनके जो कनेक्शन थे दोनों को एक साथ पैरेलल में ज्वाइन करके हमने यहाँ पे चारों ही स्पीकरों से जो डेक का सॉकेट देखते हैं आप, इसमें जो ना चारों स्पीकरों पर कैसे कैसे कनेक्शन किए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 8 इंची है और इसके साथ एक ट्विटर, ये हमने एक चैनल पे डाल दिया है, आप देख सकते हैं ये वाला जो चैनल है ग्रीन वाला, ये एक ट्विटर और एक 8 इंची ये एक चैनल पे डाल दिया है। उसके बाद जो एक साइड के 6 इंची हैं वो दूसरे चैनल पे डाल दिए हैं, बाकी जो एक साइड दो साइड इधर की साइड जो 2 स्पीकर बचे हैं वो हमने सिंगल सिंगल चैनल पे डाल दिए हैं। अब मैं आपको बताऊं, जैसे इधर से 2 स्पीकर के वायर आ रहे हैं, ठीक है, अब ये जो बीच वाले जो होते हैं फ्रंट वाले होते हैं डेक स्टीरियो में, आप देखेंगे दोनों बीच वाले फ्रंट वाले होते हैं, इन दोनों में हमने एक साइड के 6 इंची डाल दिए हैं। उसके बाद जो दूसरी साइड के स्पीकर थे उसमें से सिंगल हमने दोनों को पैरेलल करके एक चैनल पे डाल दिया है। उसको डालने का कारण ये है क्योंकि जो रियर स्पीकर के लिए होते हैं उसमें थोड़ी सी पावर ज़्यादा होती है। यहाँ से आप देखेंगे सिंगल तार निकाल के दोनों को ज्वाइंट करके यहाँ हमने निकाल दिए हैं, ये रियर स्पीकर के लिए होता है, इनकी पावर होती है थोड़ी ज़्यादा। ऐसे ही ये ग्रीन वाला आप देख रहे हैं, इसके साथ हमने एक ये 8 इंची और एक ट्विटर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमने 2 6 इंची के स्पीकर साइड वाले वो लगा लिए हैं, जाली भी इनके ऊपर लगा के पेंच कस दिए हैं, आप देखेंगे अंदर डबल तार निकल आए हैं, दोनों के अलग से तार निकाल लिए हैं दोनों स्पीकरों के, और ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी दोनों स्पीकर लगा के और उसके भी 2 तार यहाँ से निकाल लिए हैं। अब हम 8 इंची और सबवूफर फिट करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये डैग है, डैग में 3 वायर होती हैं, एक रेड, एक येलो और एक ब्लैक और एक ब्लू, मतलब 4 होती हैं। ये ब्लू होती है एंटेना का काम करती है, जैसे FM वगैरह आप चलाते हैं तो उसमें ये काम करती है। तो अब क्या होता है कि ये जो रेड और येलो है इसको हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया है, ये प्लस होती है, और जो ये ब्लैक है इसके साथ हमने ग्रीन वायर को कनेक्ट कर दिया है, ये माइनस है। अभी इसके साथ हम ये एम्प को जोड़ेंगे इसके साथ, ठीक है। सबसे पहले हम 4 mm के वायर लेंगे, एक रेड और ब्लैक, उसको यहाँ से साइड से छेद करके हमने यहाँ को ये निकाल लिया है। अब उसके बाद क्या करना है, हमने जो स्टीरियो से लिए थे ना ग्रीन और ब्लू, ये रेड वाला प्लस में एम्पलीफायर के, और जो रिमोट REM लिखा हुआ है यहाँ पे, एक जम्फर लेके उसके साथ हमने डेक की प्लस को कनेक्ट कर दिया है और ग्रीन और ब्लैक को एक साइड कर दिया है। अब जो नंबर है वो है सबवूफर के लिए, आप देख रहे हैं यहाँ ये सबवूफर जो लगा हुआ है, इसकी 2 वायर हमने यहाँ पे निकाल ली हैं, एक रेड है एक येलो है। अब रेड को आप देखेंगे इस वाले एम्पलीफायर में यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिज मोड, नीचे की तरफ देखें चैनल 2 चैनल 1 के नीचे देखेंगे ब्रिज मोड। यहाँ पे क्या है कि स्पीकर की डबल पावर करने, क्योंकि स्पीकर हैवी है तो इसको बजाने के लिए हमने 4 चैनल एम्प जो लिया है, इसमें क्या है कि प्लस वायर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये प्लस है ब्रिज का,
ये यहाँ पे हो जाएगा, और जो माइन ये येलो वायर है जो हमने दूसरे उससे निकाली है, बुक से दूसरी साइड से निकाली है, वो यहाँ पे लग जाएगी, क्योंकि हमें ब्रिज पे ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि एम्पलीफायर सूटेबल हो जाएगा उसके लोड के अपेक्षा। अब क्या है कि बोलते हैं कि जैसे इस पे लिखा हुआ है 1800 वाट नहीं होता, ये पीक पावर होती है। अभी यहाँ पे ब्रिज करने के बाद 200 वोट के समथिंग इसको मिल जाएगी, जो कि सबवूफर के लिए काफ़ी है। ऐसे ही जो हमारा दूसरा सबवूफर होगा उसको भी प्लस यहाँ पे दे देंगे और माइनस यहाँ पे दे देंगे, और जो स्टीरियो से जो ऑडियो वीडियो वाली लीड थी वो हमने निकाल दी है। आप देख सकते हैं दो लगेंगे इसमें, क्योंकि चैनल वन ब्रिज चला रहे हैं इसलिए। अभी क्या है कि एक साइड एक चैनल के लिए हमने चैनल वन में और टू में लगा दिया है, ये एक साइड होगी, और ये दूसरी साइड के दूसरे सबवूफर के लिए एक चैनल थ्री और चैनल फोर के लिए लग जाएगा। आपको मैं कनेक्शन समझा देता हूँ थोड़ा सा। आप देख रहे हैं HPF हमने बिल्कुल कम कर दिया है, और LPF भी, और जो गेन वाला स्विच होता है वो हमने बीच में रख दिया है। गेन वाला स्विच बीच में है, HPF बीच में है, और दूसरे चैनल के लिए भी हमने ऐसे ही किया है। गेन हम थोड़ा से फुल से कम रखेंगे और इधर भी फुल से कम रखेंगे। अब क्या है कि हमने इसको बॉक्स के अंदर रखना है, लगाना है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगाना है। जो ब्रिज माउंट करके हमने स्पीकर के तार निकाले थे, और जो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जो कोई भी सेटिंग करनी है आपको सबवूफर की, वो सेट को एम्प को बाहर निकाल के ही करें, क्योंकि अंदर एक बार सेटिंग हो जाएगी फिर उसके लिए सारे पेंच वगैरह खोलने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको पेंच लगा के और फिट कर दिया है, ये यहीं पे रखा रहेगा इसमें एम्प पेटी के अंदर ही। आप देख सकते हैं अब ये दो सबवूफर के लिए हमने वायर निकाल लिया। जो कुछ भी आपको पूछना हो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप मुझे सीधा कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अभी ये जो दो सबवूफर के तार हैं ये मुझे लगाने हैं सबवूफर में, ये येलो वाला ब्लैक में लगाना है, और जो रेड वाला है ये वाला ये रेड में ही लगाना है, ठीक है। ये वायर लगा के लगभग सारी पेटी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी पेंच कस के टेस्टिंग दिखा देता हूँ, तो मैं आपको भी इसकी साउंड टेस्टिंग चेक करा देता हूँ, और आप देख लेना, मैं NCS साउंड चेक कराऊंगा, आप देख लेना।
हमारी पूरी पेटी बनके तैयार हो गई है। अब जो इसमें लाइट और आगे जो 8 इंची की जाली है ये लेके आनी है मेरे को, और ये साइडों में 6 इंची जो लगे हुए हैं इनमें भी लाइटिंग वगैरह लगा के फिर से मैं आपको एक वीडियो में दिखा दूंगा। लेकिन मैंने अभी आपको ये दिखा दिया है कि कैसे बनाना है और बड़ी आसानी से बन जाएगा, इसमें ज़्यादा कोई मसला नहीं है। अभी जो आपको मैंने बताया था 4 चैनल जो एम्प हमने लिया है उसमें ब्रिज मोड करके दोनों सबवूफर चलाने हैं, और बाकी डैक से ये दो साइड के और दो इधर, और ये 5-6 स्पीकर जितने भी हैं ये सब डैक से बजाने हैं। आप सोच भी नहीं सकते इतनी ज़बरदस्त बेस के साथ साउंड क्वालिटी निकल रही है। आपको अगर साउंड क्वालिटी चेक करनी है ना तो आप एयरफोन में चेक करना, तब आपको पता चलेगा कितनी ज़बरदस्त बेस है। लगभग 10 से 20 मिनट दूर तक मैं चेक करके आया हूँ, बहुत अच्छी प्यारी बेस आ रही है। आप देख सकते हैं, आप घर पे बना सकते हैं बड़ी आसानी से। आप पेटी का अपनी मर्जी से कोई सा भी मॉडल कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बनाया इसमें भी काफ़ी अच्छी बेस आ रही है। आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके बना सकते हैं। जो जो आइटम इसमें लगना था वो मैंने आपको बता दिया। तो अब इसकी आप साउंड सुनिएगा और फिर बताइएगा कि पेटी कैसे बनी है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप मुझे सीधा कॉल करके पूछ सकते हैं।